अस्सलाम वालेकुम पीपल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग अचानक से बन रहा है और मैं बनाने कुछ और जा रहा था। एक्चुअली हमें हर कंटेंट के लिए ना पब्लिक जाना पड़ता है, अलग अलग जगह पे ढूंढनी पड़ती हैं, चीजें लेके आनी पड़ती हैं और मैं कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो ये रिसर्च वाला काम थोड़ा बढ़ गया है। अभी हम लोग एक वीडियो के लिए, अपकमिंग वीडियो के लिए ना कुछ चीजें ढूंढने के लिए ना अदर धक्के खा रहे थे। दो टीम से हम वो चीज ढूंढ रहे थे जो हमें चाहिए व्लॉग के लिए। तो छुट्टी का टाइम था, जुम्मे का दिन था, हम लोग स्कूल के पास से गुजर रहे थे। इलाका वही बताया था, मैंने अपने कजन से पूछा था यार वो फलां चीज कहाँ से मिलेगी, तो उसने बताया मैं उस इलाके से गुजर रहा था। स्कूल की छुट्टी हुई और इतनी सारी एनोनिमस की पब्लिक ना आसपास गाड़ी के जमा हो गई। अच्छा, तो जब जमा हुए बच्चे, लेफ्ट भी थे राइट भी थे और इतने ज्यादा थे, पूरे स्कूल के बच्चे आप सोच सकते हो, सारी एनोनिमस की पब्लिक थी। और स्कूल के टाइम में ऑलरेडी गाड़ियों का अपना रश भी होता है, जो फैमिली पिक करने आई होती है या जो पिक एंड ड्रॉप्स वाले होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे काफी रश लग गया और ट्रैफिक हो गई बंद। दूसरा क्या हुआ कि एक रेड मेहरान थी, वो दो लाइनें ऑलरेडी राइट साइड पे आने वाली बनी थी, हम जाने वाली साइड पे थे, तो जो आने वाली दो लाइनें थी वो तो थी, हमारी जाने वाली एक लाइन थी और फिर एक रेड मेहरान दोनों गाड़ियों जो जाने वाली लाइन थी उन दोनों लाइनों को छोड़ के हमारी जाने वाली साइड पे मेहराने की राइड आगे कलर आगे आ गई ना, हमारे फ्रंट पे रास्ता हो गया ब्लॉक। अब मैं वहां सबसे मिल भी रहा था क्योंकि अब पता नहीं यार छोटे बच्चे हैं, नेक्स्ट टाइम बंदा कब मिले कोई पता नहीं होता, तो मैं उनसे मिल भी रहा था साथ साथ और ब्लॉक में भी उनको ले रहे थे, जो हैंड चेक कर रहा था उनके साथ हैंड चेक कर रहा था। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि दो पिक एंड ड्रॉप वाले आदमी, ठीक है, बड़ी बड़ी उनकी मूंछें हैं, उन्होंने बहुत उल्टी सीधी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आके उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि गाड़ी ले जाओ भाई, उड़ा के थोड़ी ले जाएं, छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत एहतियात से चला रहा था कि यार राइट साइड भी बच्चे, लेफ्ट साइड भी बच्चे, फ्रंट पे भी बच्चे, और मैं कोई इंटेंशनली तो आया नहीं, नॉर्मली वो सब मिले, अचानक से गुजर रहा था, मिल गए, मुझे वहां से निकलना है, मुझे एक एक बच्चे को बचाना है कि यार किसी को चोट ना लगे, गाड़ी का टायर है किसी के पांव पे ना चढ़ जाए, किसी को धक्का लग के ना गिरे, मुझे वो चीज बहुत ज्यादा ख्याल करके वहां से गुजारनी। तो रास्ता आगे राइट मेहरान ने बंद किया, तो उड़ा के तो जा नहीं सकते, तो उन दोनों ने बहुत बदतमीजी शुरू की और उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से वहां पे मामला थोड़ा गर्म हो गया था। शुरू में तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने गाली गलौज शुरू की तो गुस्सा आया और बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होने वाली थी, लेकिन फिर बस काम डाउन हो गए और वो चले गए, क्योंकि उन्होंने इंतहाई उल्टे सीधे अल्फाज का, यार आप खुद सोचो कि चारों तरफ बच्चे हैं, आगे से गाड़ी ब्लॉक है, अब इंसान उड़ा के तो लेके जा नहीं सकता, या अगर कोई आपसे मिल रहा है आप भाग जाओगे, भाई मैं नहीं मिल रहा मैं भाग रहा हूँ, भाग गए, ये तो हल नहीं होता। उन दोनों ने बहुत गलत किया वहाँ पे, और हम लोग वहाँ पे तीन बंदे थे, लेकिन अगर पब्लिक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता उनमें से किसी ना किसी का ना, क्योंकि उनकी हरकतें ठीक नहीं थी, और अगर मैं शुरू होता या मेरी टीम का कोई लड़का शुरू होता तो वहाँ पे जो 150-200-300 बच्चा था ना, उन्होंने भी एक एक हाथ लगाना था, तो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए मैं बमुश्किल वहां से निकला और सेफली हम लोग ने सारे बच्चों को बचाया और हम लोग घर पहुंचे। तो एक बहुत गलत किस्म की लड़ाई होते होते बच गई वहां पे, लेकिन हाँ तू मैं तो हो गई थी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी। फिर जब मैं जाने लगा उसने पीछे से गाली वाली दी और मैंने ना रेवो साइड पे लगा लिया, यानी कि अब तो उसका इलाज करके जाना है रश से बचने के बाद। जब मैं गाड़ी से निकला और उसने देखा कि रेवो साइड पे लगा है, बंदे गाड़ी से निकल रहे हैं, उसके बाद वो बंदा नजर नहीं आया, तो शाह पर ही फड़ रहा था वो, लेकिन बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह सही से बचाया है, सबसे मिला और उसके बाद हम वहां से निकले। उसकी क्लिप्स आप आगे वीडियो में देख लो। लाइक कर दो अनोनिमस भाई को, सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। अच्छा गाइज, दोस्तों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो दो बंदे फरार हैं, वहां पहुंचे भी नहीं है, ये फरार और ये फरार दोनों, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा, दो बंदे लड़ रहे हैं, नीचे नहीं उतरे, कंट्रोल में कर रहे थे चीजें, यार बच्चे हैं कोई, हम तो मारते उतर के, दो बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, वो कोई किसी को लग जाती तो कोशिश की, लेकिन फिर स्टिल दो बंदे उनका रिप्लाई कर रहे हैं, मैं और हारिस भाई, और जो बंदा दूध पीता है, जिम जाता है, अंडे खाता है,
माशाल्लाह से घर में सबसे ज्यादा खाता है, BGRAT बन के बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। कैमरामैन मैं ही था, और अगर ऐसा खड़ा होता कैमरा बंद करके उतरता साथ में। गाइस आप लोगों को लगता है ये उतरता? इसका जवाब मैं नहीं देता, ये नहीं देते आप लोग, तो जो बंदा उस टाइम बैठा रहा ढीठ बन के वो क्या उतरता? क्या वो उतरता? तो तूने बताया नहीं पहली बात, मैं तो रेडी था, बताता था कुछ करता ना मैं, कुछ ऐसा मसला हो मैं तो रेडी था ताकि मैं ये क्लिप सबूत के तौर पे तैयार रखूं ताकि कुछ करके दिन पे मसला ना हो यार। बट स्टिल मतलब जो हमारी साइड से हुआ ठीक था, मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने स्टेप से लिए, बच्चों को महफूज रखना, उनको चोट ना लगे वो सबसे पहला स्टेप था, और इसमें हम पूरा उतरे अच्छे से। जब तक उतरता मैं गाड़ी से, इसको दो तीन लग चुकी है। नहीं बात सुनो, ये ना बहुत स्लो है पब्लिक, मैं और हाईवे उतर के लड़के वापस गाड़ी में आ रहे होते, सैरन का दरवाजा खुलता तब तक, है ना? है ना? ऐसे ही सैरन का एक ये रोला भी है कि भी एक कदम लेता है फिर पैंट ऊपर करता, ओह पैंट ऊपर एक शर्ट शर्ट के दिखा के एक्टिंग करता, शर्ट कर दे ऐसे नीचे, ये क्या है यार, प्रॉपर वो जो डांस कर प्रॉपर ये भाई बढ़िया। स्टिल जो हुआ ठीक था, हमने रिग्रेट नहीं है कि हाँ यार कोई हरकत नहीं की हमने, और माहौल को ठीक रखा, बच्चों को बचाना सबसे पहला मेरा काम था, वो मैंने बचाया वहाँ पे, कि उतर के झगड़ा होता उनको लगती कोई बच्चा हर्ट होता, ये गाड़ी बहुत उन बंदों के कहने पे गाड़ी को भगा के लेके जाना, वहाँ से निकालना, किसी बच्चे को हर्ट करना, लड़ाई कर ली लेकिन पब्लिक को हर्ट नहीं होने दिया। यार जो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सामान ढूंढने जाना है, बहुत खतरनाक, हो सकता है वो मिल गया तो मैं आपको रिवील कर दूंगा, नहीं तो नहीं। अभी हम पहले नाश्ता मारेंगे जाके, नाश्ता मारने के बाद बंदा ढूंढते हैं, बंदा नहीं है वो वैसे, लेकिन लिविंग थिंग ढूंढते हैं। गुड्डा कहाँ है वो गुड्डा? हाँ तू भी तो पकड़ता है ना, डोरे पकड़ रहा होता है, गुड्डे पकड़ संभाल के रखे हैं, दिखाऊंगा आपको ना। ओ डन, मतलब गुड्डा लवर है तू है। वैसे काफी दिनों से हमने एक चीज नहीं बोली गाइस, हेलो साइको, टेंशन लेता काइको देखो सही क्या, आगे खोती की आवाज निकाले, ये घोड़ी है नहीं यार, हारिस भाई को माफ कर, हारिस भाई को माफ कर, हारिस भाई भी करेंगे नहीं यार, हारिस A few moments later. यार हमने जरा नाश्ता वाश्ता हमारा टाइट करके, और मैं आपको बताते चलूं हम लोग क्यों आए थे, पब्लिक हमें चाहिए था वीडियो के लिए बंदर, तो बंदर ढूंढने के लिए हम धक्के खा रहे थे सुबह से, बंदर आ रहा है फाइनली, अगली जो वीडियो होने वाली है ना पब्लिक के लिए, ओए होए हंस हंस के पेट दुख जाएगा, एंटरटेनिंग मजे वाली, डर वाली, एंजॉय करने वाली, तो अब मैं बंदर को बंदरों से मिलवाऊंगा। भाई क्या हो गया तुझे, कौन है बंदर? वो ये तो कौवा था। पब्लिक फाइनली भाई इसका नाम क्या रखा आपने? शाहरुख खान। शाहरुख खान हमें फाइनली मिल चुका है, अभी हम शाहरुख खान को लेके जा रहे हैं। हेलो शाहरुख खान, ये खाता क्या है? केले से लिखा लेगा, ले लें इसके लिए, रास्ते में चौधरी केले पकड़ने हैं। ये बेर खाएगा? रोटी दे, केले खाएगा? इसका नाम बता क्या चाचा? इसका नाम है शाहरुख खान। हाँ ये वाला, ये वाला भाई, ये वाला, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये बस सही है। तो पब्लिक फाइनली शाहरुख खान हमें मिल गया, शाहरुख खान के फैंस आई एम रियली सॉरी, उसका नाम है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो बाकी यार देखो हम लोग कंटेंट के लिए काफी डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, आज ये फड्डा भी हुआ कंटेंट के चक्कर में ढूंढते हुए, और उसके अलावा शाहरुख खान को ढूंढने तक का जो सफर था बहुत खुआरी वाला था, इधर उधर हमने ढूंढा, बट नेक्स्ट व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, हमारे पास दो बंदर हो गए हैं, एक डिग्गी में और एक बैक सीट पे। शाहरुख खान भी लाइक नहीं सही है, कोई मसला नहीं है। तो गाइस शाहरुख खान इज इन द हाउस, और अब नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है ना वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, और बॉयज उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो होपफुली आपको मजा आने वाला है। हेलो शाहरुख खान भाई। ओ पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी देता असरात मनफी,
Tujh mein dar hai, I can sense it. Left you bloody just immenses. Fuck around till you come to your senses. My future or to past tenses. तो गाइस यार व्लॉग का नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, कोई बात नहीं तो माफ करना, इसलिए तो प्यार कर देना, सपोर्ट करते रहना, दिल से लव यू वेरी नॉन स्क्रीन का तो बिल्कुल बहुत है प्यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, स्नैपचैट पे फॉलो कर देना, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।